तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टिक ज़्यादा यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की इस वीडियो हम बात करने वाले हैं, जैसा आप लोगों को पता है कि 22 तारीख को जो मीटिंग रखी गई थी उसमें क्या फैसला हुआ, कैसे कैसे क्या हुआ, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। जैसा आप लोगों को पता है 4 बैंकों को प्राइवेट करने की बात चल रही है, जिसमें सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और आपका बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र आती हैं। तो इन 4 बैंकों की बात चल रही है, जिसमें यहाँ पर पहली मीटिंग जो थी 14 अप्रैल को थी, तो वह मीटिंग कैंसिल हो गई और अच्छे से नहीं हो पाई कोविड-19 की वजह से। तो फिर मीटिंग 22 तारीख को रखे थे। तो 22 तारीख में क्या हुआ आज, इसके बारे में अच्छे से बात करेंगे, कैसे कैसे क्या। लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे जरूर करना चाहूंगा, यदि चैनल पर नया, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएगा ताकि नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। आज दोस्तों हम बात करेंगे अच्छे से कैसे कैसे क्या है। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे आप लोगों को पता है यहाँ पे बीच में 4 बैंकों का नाम फिर से दोबारा से सामने आया था, जिसमें नाम था बैंक ऑफ बड़ौदा, यूको बैंक और बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज बैंक, जिसमें बैंक ऑफ बड़ौदा पहले ही 2 बैंकों से मिल चुकी है और यहाँ पे यूको बैंक कभी नहीं किसी से मर्ज हुई है। और यहाँ पे जो बैंक आप 2 और बैंक देख रहे हैं, बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज बैंक, ये 2 नाम उसी 4 वाले पिछले वाले नाम के, मतलब जो पिछली लिस्ट है उसमें से 2 नाम है जिनको प्राइवेट करने के लिए बात चल रही थी। तो यहाँ पे बात ये हुई कि इन 2 बैंकों को क्या किया जाए, प्राइवेट ना किया जाए और इनको मर्ज कर दिया जाए बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ या यहाँ पे यूको बैंक के साथ। तो यदि मर्ज हो जाता तो हमारा जो बैंक जो है प्राइवेट होने वाला था वो सरकारी ही बना रहता और इनके कस्टमरों को काफी ज्यादा बेनिफिट मिलता। तो इसको लेकर मीटिंग थी 22 अप्रैल को। तो 22 अप्रैल को क्या हुआ आए हम बात करते, लेकिन उससे पहले आपको बता दो बैंक प्राइवेट यहाँ पे करने की बात क्यों की जा रही थी। जैसे पता आप लोगों को बैंक यहाँ पे सभी को लोन देती है, लोन के मदद से जो ब्याज मिलता है उसके मदद से लोग अर्निंग करते हैं, पैसा होता है, रेवेन्यू जनरेट होता है। तो कहीं ना कहीं सरकार ने इतना रेवेन्यू इन बैंकों से नहीं पाई जितना उनका टारगेट था और जो लोन जिनको बांटे थे, मतलब बैंकों ने वहां से लोन वगैरह अच्छे से टाइम से नहीं जमा हो पाया, इस वजह से प्रॉब्लम होती है। सरकार का कहना है कि इनका निजीकरण कर दिया जाए, प्राइवेट कर दिया जाए, तो वहां से इनकम जो है अच्छी खासी हो जाएगी, जितना उनका टारगेट वहां से हो सकता है कंप्लीट हो जाए। इस वजह से प्राइवेट बैंक को किए जाने का मतलब पूरी बात चल रही थी। फाइनली मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे जो बात ये हुई कि यहाँ पे 22 तारीख को जो बैंकों का यहाँ पे प्राइवेट करने के लिए जो मीटिंग रखी गई थी वो कोविड-19 की वजह से टाल दी गई। बार बार मैंने कल वीडियो बना के बताया था, लेकिन बार बार कमेंट आ रहे थे कि भाई क्यों टाल दिया, क्यों ऐसे हुई, क्या क्यों क्या बात हुई, अगला डेट कब आएगा, बैंक को प्राइवेट लेके क्या किया जाए। दोस्तों आपको बता देना हम यहाँ पे अभी कोविड-19 की वजह से बैठक टाल दी गई 22 अप्रैल को। अब देखिए अगला डेट कब रखा जाता है। और फाइनली आपको बताना चाहूंगा कन्फर्म नहीं है कि यूको बैंक के साथ या बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ बैंक ऑफ इंडिया या इंडियन ओवरसीज बैंक मर्ज होंगे, मिलकर एक हो जाएंगे, चारों बैंक मिलकर एक होंगे। हाँ कुछ ऐसी चर्चाएं चल रही हैं, फाइनली आरबीआई के ऊपर है, जैसा लोग करेंगे वैसा ही होगा। तो दोस्तों घबराइए ना, थोड़ा सा पेशेंस बना के रखिए और 22 अप्रैल वाली मीटिंग टल चुकी है, अगली मीटिंग देखिए कब तक क्या होता है। तो जैसा ही अपडेट रहेगा मैं साझा जरूर करूंगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय दोस्तों।